दोस्तों, आधुनिक मनुष्य ने पृथ्वी पर जब से विचरण शुरू किया तब तक डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। वास्तव में डायनासोर प्रीहिस्टोरिक रेप्टाइल्स का बड़ा समूह है, जिनकी विभिन्न प्रजातियों के शेप एवं साइज भिन्न भिन्न होते थे, जिनमें मुर्गे के आकार के माइक्रो रेप्टर से लेकर भयानक एवं विशालकाय स्पिनोसॉरस तक पाए जाने वाले डायनासोर्स का विवरण मिलता है, जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में जीवित रहने में सक्षम थे। आज हम बात करेंगे डायनासोर के अंडों के रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, डायनासोर अन्य सरीसृपों की तरह ही अंडे देते थे, जिनके अंडे एमनियोटिक टाइप के होते थे। इनकी अधिकांश प्रजातियां बड़े बड़े घोंसले बनाती थी। डायनासोर के अंडे जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, जिनके छिलके के टुकड़ों को तीन महत्वपूर्ण लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है, जैसे इनकी मोटाई एक समान होनी चाहिए, ये आमतौर पर थोड़े घुमावदार होते हैं, एवं इनकी सतह छोटे छोटे छिद्रों द्वारा ढकी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के अंडों का क्लच प्रजातियों के अनुसार ही हो सकता है। कुछ डायनासोर ने केवल 1 से 5 अंडे दिए होंगे, जबकि अन्य ने 15 से 20 अंडे दिए होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रीडेटर का शिकार या अन्य कारणों से डायनासोर के 10 में से केवल 1 अंडा हैच कर पाता था? डायनासोर के अंडे शेप, साइज तथा टेक्सचर के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। ये आप डायनासोर के अंडे देख पा रहे हैं। डायनासोर के अंडों का अधिकतम डायमीटर 2 फुट का हो सकता है। डायनासोर के फॉसिलाइज अंडे पेट्रीफाइड फॉसिल कहलाते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मैटर का स्थान चूना एवं सिलिका आदि पदार्थों द्वारा ले लिया जाता है। ये फुली फॉसिलाइज अंडे हैं डायनासोर के, स्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं और रॉक से अटैच हैं। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब करें, कमेंट कर हमें बताएं, बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।